दोस्तों ऊंट एक ऐसा जानवर है जो तपते रेतीले रेगिस्तानों से लेकर उजाड़ बियाबान पथरीले रास्तों तक इंसान का साथ निभाता है। यानी सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो ऊंट इंसान का सच्चा और पक्का साथी होता है, जो मरते दम तक उसका साथ निभाता है। लेकिन जो ऊंट इंसान का जीवन भर साथ देता है, मरने के बाद उसी ऊंट को असहाय और अकेला छोड़ दिया जाता है। चाहकर भी लोग उसके पास नहीं जा पाते हैं, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो वो ऊंट उसका वो हाल करता है जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि भला एक मरा हुआ ऊंट किसी का क्या बिगाड़ सकता है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बताएंगे आपको कि क्यों एक मरा हुआ ऊंट इतना खतरनाक होता है, पर उससे पहले आपको ऊंटों से जुड़ी हुई कुछ जानकारियों से अवगत करवा देते हैं। दोस्तों ऊंट सामान्यतः रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाने वाला जीव है। इसको ये नाम एक अरबी भाषा से मिला है जिसका अर्थ होता है सुंदरता। आकार और बनावट के हिसाब से ऊंटों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ एक कूबड़ वाले ऊंट होते हैं तो कुछ दो कूबड़ वाले। ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है क्योंकि ये कई कई दिनों तक रेगिस्तान में बिना पानी पिए भी रह सकते हैं। जीवाश्म साक्ष्यों से पता चलता है कि आधुनिक ऊंटों के पूर्वजों का विकास उत्तरी अमेरिका में हुआ था, जो बाद में पूरे एशिया में फैल गई, और लगभग 2000 ईसा पूर्व मनुष्यों ने ऊंटों को अपना पालतू बनाया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक ऊंट 7 फीट तक लंबा और इसका वजन 680 किलोग्राम तक हो सकता है। इन्हें रेगिस्तान में जीने की आदत है और इस वातावरण के हिसाब से इनकी बोहें 10 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है, ताकि रेगिस्तान में चलने वाली आंधियों के कारण रेत इनकी आंखों में न घुस पाए। सिर्फ यही नहीं, इनके कानों पर बाल भी इसी वजह से होते हैं ताकि इस रेत को अपने कानों में घुसने से बचा सके। ऊंट के पैर भी सामान्य जानवरों की तुलना में कुछ अलग होते हैं, जिसके कारण वो आसानी से रेत पर चल पाते हैं। आमतौर पर ऊंट अपने कूबड़ के लिए पहचाने जाते हैं, और ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ऊंट अपने कूबड़ में पानी को स्टोर करके रखता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सही नहीं है। दरअसल इस कूबड़ में पानी नहीं बल्कि फैट यानी कि वसा स्टोर रहती है। जब कभी उन्हें खाना नहीं मिलता या फिर वो भूखे होते हैं तो इसी फैट से उन्हें ऊर्जा मिलती है। आपको बता दें कि ऊंट बिना खाना और पानी के काफी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। कई जानवरों के शरीर में जब पानी की मात्रा 15% तक कम हो जाती है तो वो कमजोर हो जाते हैं, लेकिन ऊंट एक ऐसा जानवर है जो पानी की 25% कमी भी सहन कर सकता है। और इनकी एक खास बात ये भी है कि जब इन्हें पानी मिलता है तब ये करीब 150 लीटर तक पानी एक साथ ही पी सकते हैं। रात के समय इनके शरीर का तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि दिन के समय में यही तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोस्तों ऊंट के दूध में बहुत अधिक मात्रा में आयरन, विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि गाय के दूध से ज्यादा ऊंट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ऊंट के दूध में मौजूद फैट गाय के दूध में मौजूद फैट से कम होता है। यही नहीं, एक ऊंट 40 से 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकता है। इनमें एक खास और अनोखी कला भी होती है। दरअसल जब इन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो अपने आप को उस खतरे से बचाने के लिए अपने चारों पैरों को लात मारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन जंग में, खासकर की वो जंग जो कि रेगिस्तान में लड़ी जाती थी। वहाँ राजा महाराजा इन ऊँटों का इस्तेमाल करते थे। अमूमन एक ऊँट का जीवन काल 40 से लेकर 50 साल तक का हो सकता है। ऊँटों को पाल कर उन्हें सर्कस में लोगों के मनोरंजन और घरेलू कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ऐसा कम ही होता है कि ऊँट अकेले रहते हो। खाने की खोज में अक्सर ये झुंड के रूप में ही बाहर निकलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऊँट कैक्टस जैसे कटीले पौधे को खा सकते हैं, और इससे उनके मुंह को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ऊंट बिना रुके कई दिनों तक गति कर सकते हैं। ये तब तक नहीं थकते जब तक कि उन्हें उनकी तरफ कोई खतरा महसूस ना हो रहा हो। दोस्तों ऊंट सिर्फ दिखने में ही धीरे चलने वाले दिखते हैं, लेकिन असल में ये काफी तेज दौड़ सकते हैं, पर ऐसा ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही कर सकते हैं। इनका कूबड़ भी जन्म से इनके साथ नहीं होता है, बल्कि जैसे जैसे ऊंट खाना खाने जितना बड़ा होता है वैसे वैसे उसका कूबड़ भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। दोस्तों इनका लंबी दूरी तक बिना कुछ खाए पिए चलने का कारण इनकी रक्त वाहिकाओं का बड़ा आकार होता है। इनमें एक अनोखी कला और भी होती है कि ये गाय की तरह ही अपने खाए हुए खाने को फिर से मुंह में लाकर चबा सकते हैं। कई सालों से लोग ऊंट के यूरिन को चिकित्सकीय कारणों के चलते पीने के लिए भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये एक शाकाहारी किस्म का जानवर है जो कि किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाता है। ऊंट के शरीर पर जो बाल होते हैं वो धूप की किरणों को परावर्तित कर सकते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में ठंडक कायम रहती है। एक ऊंट अपनी पीठ पर लगभग 180 किलो तक का वजन उठा सकता है, और ये बेहद ही समझदार भी होते हैं। साथ ही इनकी सुनने और देखने की क्षमता भी गजब की होती है। जब एक ऊंट के कूबड़ का फैट खत्म हो जाता है तो उसका कूबड़ धीरे धीरे छोटे होने लगता है। साथ ही ऊँटों के पैर भी लंबे इसलिए होते हैं क्योंकि इनको तपती हुई धरती से दूर रखने में सक्षम होते हैं। अगर किसी ऊँट का वजन 40% से भी कम हो जाता है तो भी वो जीवित रह सकता है। इवन सर्दियों के मौसम में तो ये ऊँट 6 से 7 महीनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। और दोस्तों आप ये जानकर तो पूरी तरह से चौंक जाएंगे कि ऊँटों को जिंदा सांप भी खिलाए जाते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जिंदा सांप। दरअसल ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऊँटों के शरीर में एक अजीबोगरीब बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में ऊँटों के शरीर में एक जहर बनने लगता है जिससे ये ऊँट खाना पीना छोड़ देते हैं। ऐसे में अगर इनका सही वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ऊँटों की मौत तक भी हो जाती है। तो इस बीमारी से बचाने के लिए वहाँ के लोग उस ऊँट को जहरीला सांप खिला देते हैं। सांप के जहर के असर से पहले तो ऊँट बीमार हो जाते हैं और कुछ दिनों तक खाना पीना छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही सांप के जहर का असर खत्म हो जाता है तो ऊँट को जबरदस्त भूख और प्यास लगती है, जिसके कुछ ही दिनों बाद बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और ये ऊँट एकदम से तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब करते हैं वो बात जिसका आप सभी को इतनी देर से इंतजार था कि आखिर एक मरा हुआ ऊँट इतना ज्यादा खतरनाक क्यों होता है। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये है कि ऊँट तो भले ही मर जाता है लेकिन इसके कूबड़ में मौजूद वसा ऊँट के शरीर के अंदर ही रह जाती है और समय के साथ साथ धीरे धीरे ये वसा गैस में तब्दील हो जाती है। खासतौर पर इन गैसेज में मीथेन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा ऊँट के पेट में जो पानी मौजूद होता है वो ना तो ऊँट के शरीर से बाहर आ पाता है और ना ही वो डाइजेस्ट हो पाता है। ऐसे में इनका शरीर धीरे धीरे डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है और अगर ऐसे में चिलचिलाती हुई धूप में आप इनके मरे हुए शरीर को छेड़ देते हैं तो ये ब्लास्ट हो सकता है, जिसके कारण उस समय आसपास मौजूद व्यक्तियों की जान तक भी जा सकती है। तो इसलिए सलाह दी जाती है कि मरे हुए ऊँट के पास आकर उसके शरीर को छेड़ने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही अपने साथ साथ इसे छेड़ने वाले को भी यमराज के दर्शन करवा सकता है। तो दोस्तों, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों एक मरा हुआ ऊँट इतना ज्यादा खतरनाक होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।